लेट अस प्ले। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो कल का टॉपिक था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं। और कल हमने प्रिंसिपल वैल्यू की बात की थी मुख्य मान की, और अब हम आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। देखिए, इनवर्स फंक्शन में यह होता है कि त्रिभुज की सहायता से भी आप प्रतिलोम फलनों के मान ज्ञात कर सकते हैं, आप सूत्र की सहायता से भी प्रतिलोम फलनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीफ्रेंस, आपसे कोई ये कहने लगे कि किसको प्रीफ्रेंस देंगे, तो आप त्रिभुज को प्रीफ्रेंस देंगे। त्रिभुज की सहायता से बहुत सिंप्लीफिकेशन, बहुत फास्टली हल कर सकते हैं प्रतिलोम फलनों के मान, प्रतिलोम फलनों के मान। तो डियर स्टूडेंट देखिए, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के मान ज्ञात करना, के मान ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको साइन इनवर्स एक्स की सहायता से, ऐसा नहीं है हम कोस इनवर्स एक्स की सहायता से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, हम टेन इनवर्स एक्स की सहायता से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, हम सेक इनवर्स एक्स की सहायता से भी कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी सहायता से हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है, हमें उसको थीटा मानना पड़ता है। आप इसको कंसिडर कर लो थीटा के बराबर। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और इंप्लीकेशन क्या देगा यहां से, साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, ये त्रिभुज हो गया a b c। तो लंब बटे करण, लंब बटे करण, तो लंब कितना है x, करण कितना है एक, तो आधार कितना हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, त्रिभुज a b सी में कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप, उसने कहा कॉस, तो कॉस की वैल्यू निकालना, आप कॉस थीटा आधार बटे करण, आधार कितना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे करण कितना है वन, तो थीटा कितना आया कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसको माना था आपने, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का मान कॉस इनवर्स के पदों में ज्ञात कर दिया हमने, साइन इनवर्स एक्स का मान किसके पदों में ज्ञात कर दिया, कॉस इनवर्स के पदों में। अब मैं, उसने ये कहा है कि टेन इनवर्स के पदों में भी ज्ञात करो, तो जिसके पदों में मान ज्ञात करना होता उसी की वैल्यू त्रिभुज में लगा दो। तो टेन थीटा क्या होगा इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लंब बटे आधार, आधार क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था आपका, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एक्स के हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको किसी भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मान ज्ञात करना हो तो आप त्रिभुज को प्रीफ्रेंस दें, ऐसा नहीं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। हमें कुछ फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूं, देखिए। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स के पदों में टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स को यदि आपको टेन इनवर्स के पदों में ज्ञात करना है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है टू टेन इनवर्स एक बटे दो बराबर क्या लिखेंगे आप, टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स बराबर वन बाई टू वन माइनस वन बाई फोर, टेन इनवर्स दो से दो कैंसिल,
तीन बटे चार, चार अंश में पहुंचा, टेन इनवर्स चार बटा तीन। तो टू टेन इनवर्स एक बटे दो का जो आपने मान जो निकाला वो किसके पदों में निकाला? टेन इनवर्स के पदों में। किसके पदों में निकाला? टेन इनवर्स के पदों में निकाल दिया। अब आपने अब ध्यान से सुनेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू टेन इनवर्स को साइन इनवर्स के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक्स बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्या पुट करेंगे यहां? एक्स बराबर टेन थीटा, पुट एक्स बराबर टेन थीटा। और डियर स्टूडेंट, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी प्रूफ याद करने के लिए डियर स्टूडेंट एक्स बराबर टेन थीटा आप पुट कर सकते हैं। एक्स बराबर टेन थीटा, तो एक्स बराबर टेन थीटा की सहायता से आप इसका प्रूफ क्लियर फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या पुट करेंगे? एक्स बराबर टेन थीटा। क्या पुट करेंगे? एक्स बराबर टेन थीटा। जैसे ही आप एक्स बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आपने पुट किया एक्स बराबर टेन थीटा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। टू कॉस इनवर्स को आप कॉस इनवर्स के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे टू कॉस इनवर्स 0.8, ये एक बार एनए में पूछ लिया था इसी थ्योरम के ऊपर। टू कॉस इनवर्स 0.8, तो डियर स्टूडेंट 0.8 का मतलब 8/10, 4/5। तो आपने इसको लिखा 2 cos इनवर्स 4/5। क्या लिखेंगे? 4/5। तो 2 cos 4/5। अभी फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको, cos इनवर्स 2x स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 माइनस 1, 32 माइनस 25 7/25। कितनी वैल्यू आई निकल के इसकी? cos इनवर्स 7/25, cos इनवर्स 7/25। अब देखो, 2 साइन इनवर्स को, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और इसके प्रूफ के लिए पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। क्या पुट करेंगे? x बराबर साइन थीटा। ये तो आप x बराबर cos थीटा पुट करते हैं, 2 cos इनवर्स x के बराबर रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स x। यदि आप x बराबर cos थीटा पुट करते हैं तो देखिए 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos का थीटा sin थीटा के बराबर हुआ। तो 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। sin से sin इनवर्स डिलीट हो गया वहां से, तो 2 थीटा, थीटा क्या है? cos इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स होता है, 2 cos इनवर्स x बराबर भी sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 sin इनवर्स x बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। अब देखो, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन भी होते हैं इसमें। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोशेक इनवर्स x, टैन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉस इनवर्स x। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हुए। क्या हुए? रेसिप्रोकल रिलेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स माइनस 3x, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 कॉस इनवर्स x बराबर इतना और 3 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 3x x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 साइन इनवर्स x बराबर ये, 3 कॉस इनवर्स x बराबर ये, 3 टेन इनवर्स x बराबर। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई एक्स वाई। एक्स वाई जो है एक से छोटा होना चाहिए, लेस देन वन। एक्स वाई का गुणनफल एक से छोटा होना चाहिए और x और y पॉजिटिव भी हो, ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 प्लस xy, xy का मान माइनस एक से बड़ा होना चाहिए इसके अंदर, तब आप इस फॉर्मूले को वैलिड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। सब देखिए एक्स वाई का गुणनफल है वो एक से बड़ा है एंड x इज ग्रेटर देन 0 भी है, y इज ग्रेटर देन 0 भी है। अब ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, पाई प्लस 3 और 2 5, 1 माइनस 6 tan इनवर्स माइनस 1 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आंसर कितना आया 3 पाई बाई 4। तो डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम वगैरह में आती है। इसके लिए एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं बोलने लगूं आपसे कि साइन इनवर्स 1 बटे 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 बटे 2 बराबर क्या होगा पाई बाई 2, क्या होगा पाई बाई 2। साइन इनवर्स 4 बटे 5 प्लस कॉस इनवर्स 4 बटे 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसमें से सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और आपका यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर आपको जरूरत पड़े तो। साइन इनवर्स एक्स बराबर यहां से कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स को कभी कॉस इनवर्स के पदों में लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नो डाउट। अगली थ्योरम भी यही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड sec इनवर्स sec प्लस cosec इनवर्स sec इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये सब पाई बाई टू होते हैं। तो देखिए एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स दो, इसकी वैल्यू तो देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, तो आप जानते हैं ना साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो साइन इनवर्स दो लिखा जा सकता है कोसेक इनवर्स वन बाई टू। सो sec इनवर्स वन बाई टू प्लस cosec इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, पाई बाई टू। तो ओके डियर स्टूडेंट, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हमारी आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा।